हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इनिशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजल्ट से रिलेटेड। तीन कंपनी है जिनके रिजल्ट से रिलेटेड हम बातें करेंगे, डिविडेंड कितना दिया है उससे रिलेटेड बातें करेंगे, कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इनिशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हमने वीडियोस बनाई है, वीडियो सेक्शन में चले जाइएगा। तो कॉर्पोरेट एक्शन जो 6 कंपनीज के लगभग लगभग होने वाले हैं, तो वहाँ पर या तो हो चुके हैं उसके बाद का इम्पैक्ट, या फिर होने वाले उसका उस स्टॉक में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कब एग्जिट है उससे रिलेटेड बातें करी गई है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर 8 स्टॉक्स ऐसे जिनमें 10 से 20% का रिटर्न आपको विदाउट रिस्क, अगर बात करें नो रिस्क ओनली रिवॉर्ड की बात करें, ऐसी बेस्ट कंपनीज में आपको बताया गया है, तो इन वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं और यहाँ पर पीएम केयर फंड में आप डोनेट कर सकते हैं फॉर द डोनेशन ऑफ COVID-19। यहाँ पर इनका लिंक है। बाकी आप अपने सराउंडिंग में भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया काम होता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, तो एक एक करके इनका रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स, ये एक कंपनी है ओके, जो कॉटन से रिलेटेड काम करती हुई हमें नज़र आती है। तो यहाँ पर इनके अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल अगर रिवेन्यू की बात करते हैं तो लगभग ये इन लैक्स में है। ये इस बार के रिजल्ट है, ये Q3 के और ये Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। लगभग 18,939, इससे पहले 15,597 और इससे पहले 13,049, मतलब ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर अच्छी खासी जंप इस कंपनी ने दिखाई है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर ईयरली वाइज अगर बात करते हैं लगभग 5,000 या 6,000 के लगभग यहाँ पर लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर बढ़ोतरी है, और क्वार्टरली वाइज की भी बात करते हैं तो लगभग लगभग 3,500 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर जंप है। इसके अलावा टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो इस बार के एक्सपेंस कुछ ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो 18,197 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस है। लास्ट क्वार्टर में 15,519 का था, इससे पहले बात कर रहे थे 13,409। तो एक्सपेंस क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। बट अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड, तो लगभग 908 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है। इससे पहले 15 लैक्स रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया था, और उससे पहले की बात करें तो कंपनी नेगेटिव में मतलब 1434 लैक्स रुपीज़ का यहाँ पर लॉस होता हुआ कंपनी को साफ नज़र आया था। तो अगर बात करें तो क्वार्टरली और ईयरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, तो ऐसी कंपनी की तरफ हमें देखना होता है कि ऐसी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है और क्या इनका बिजनेस है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसके रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगा सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स, तो उस टाइम इसके रिलेटेड और भी बात करेंगे। EPS भी देख सकते हैं, इसका EPS अगर बात करते हैं यहाँ पर तो ₹5.45 का इस बार का EPS है। इससे पहले क्वार्टर में केवल 9 पैसे का EPS था, अगर उससे पहले बात करें तो ₹8.61 का नेगेटिव में EPS था। तो कंपनी ने अच्छे खासे बेहतरीन रिजल्ट पेश करे, तो ऐसी कंपनी को अपने रडार पे रखना है और हमें इसके बारे में स्टडी भी करनी है। एक अलग से वीडियो इसके ऊपर डेफिनेटली बना के आपको पेश करूँगा। इसके अलावा बात करते हैं जाइडस कंपनी का, आपने नाम ऑलरेडी सुना हुआ है ओके, कैडिला हेल्थ केयर का नाम सुना है, जो कि आजकल बड़ी फेमस वैक्सीन के रीजन से, तो ये उसी का एक पार्ट कह सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग मेडिसिंस कोल्ड या माइल्ड जो कोविड होता है उसके लिए यहाँ पर बनाई जा रही है, और रेमिसवीर एक जो इंजेक्शन आता है वहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बाकी अगर बात करें यहाँ पर फाइनल डिविडेंड, तो ₹5 का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने पेश करते हुए नजर आई है। इसके अलावा इसके रिजल्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक बार इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट्स है इन लैक्स में है ओके, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट है, लास्ट क्वार्टर के, और ये जो रिजल्ट है ओके लास्ट ईयर के Q4 के रिजल्ट हमें नज़र आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिजल्ट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल रिवेन्यू, तो इस बार 60,752
ओके, लैक्सी रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पर रेवेन्यू हुआ है, इससे पहले 38,410 था, और अगर उससे पहले की बात करें कि लास्ट Q4 की 48,917, तो ईयरली बेसिस पे तो अच्छी खासी जंप है ही, लगभग 12 लैक्स इन रुपीज़, बट क्वार्टरली 12,000 लैक्स इन रुपीज़, बट क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा यहाँ पर जंप नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस वाले क्वार्टर में लगभग 47,486 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर आपको एक्सपेंस होता हुआ नज़र आया है। इससे पहले बात कर रहे हैं तो 34,818 का था, और उससे पहले Q4 की बात कर रहे हैं तो 42,487 का। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ईयरली क्वार्टरली वाइज, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपेंस में भी खर्चा होता हुआ नज़र आया। ऑब्वियसली बात है, जब रेवेन्यू बढ़ते हुए नज़र आते हैं तो कंपनी यहाँ पर खर्चा भी करती ज़्यादा नज़र आती है, बट कोई इशू नहीं है। देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की नेट प्रॉफिट कितना नज़र आता है इनके पास। तो अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर अभी का जो प्रॉफिट नज़र आया 13,313, ओके, मतलब 133 करोड़ रुपीज़ के लगभग यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आया है। इससे पहले 174 लैक्स इन रुपीज़ का प्रॉफिट था, और उससे पहले की बात करें 6,910 लैक्स इन रुपीज़ का प्रॉफिट था। ईयरली बेसिस की बात करें तो लगभग दोगुना प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया, और क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने करके दिखाया है, जो कि काबिले तारीफ है। तो इस कंपनी की तरफ भी ध्यान देना है, मैंने इसके रिजल्ट्स वगैरह पहले के पढ़े थे तो अट्रैक्टिव नहीं थे जैसे कि यहाँ पर देख रहा है, बट अगर अब क्या रिजल्ट पड़ रहे हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, और इनके पास लोन बोरिंग भी ज़्यादा है। बट एक बार फिर भी इसके रिलेटेड अलग वीडियो बनाएंगे, देखेंगे और सब चीज़, तो इसके फिर हम निवेश करने की सोच सकते हैं। बट यहाँ पर अभी भी देखें तो अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया है, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर अगर EPS की भी अगर हम बात करते हैं तो EPS 20 रुपये का EPS है, जो कि पहले 11 रुपये का था, लगभग डबल ही है, और पहले 27 पैसे का डिविडेंड था लास्ट 27 पैसे का यहाँ पर EPS था लास्ट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो इस कंपनी की तरफ आप ध्यान बना के रख सकते हैं, और यहाँ पर सेगमेंट वाइज किस तरीके से यहाँ पर कंपनी ने खर्चा किया है, या फिर किस तरीके से यहाँ पर इनके रेवेन्यू होते हुए नजर आया है, उस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं वेंकीज। वेंकीज से रिलेटेड मैंने शायद वीडियो बनाई है, नहीं मुझे नहीं पता, बट वेंकीज जिस सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है, ओके, ये फ्रोजन मीट या फ्रोजन आप कह सकते हैं नॉन वेज देती हुई कंपनी नजर आती है, और इनके अलग अलग छोटे छोटे, जब इसके रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं दोबारा अगर, तो आपको बताऊंगा कि इनके रेस्टोरेंट टाइप में अगर बात करें, जैसे KFC है, KFC एक अलग से आपको फूड चेन दिखाई देती है, इसी तरीके से वेंकीज़ की भी नॉर्थ इंडिया में आई थिंक ब्रांचेज है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो अगर देखें यहाँ पर तो 17 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड पेश किया है इस कंपनी ने, और अगर हम यहाँ पर रिजल्ट पेश देखते हैं तो रिजल्ट आई थिंक काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं इन लैक्स में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनकम की बात करते हैं तो इस बार की जो टोटल इनकम है 95,285, इससे पहले 94,000 था, उससे पहले 66,952। ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, दोनों बेसिस पे यहां पर टोटल इनकम काफी अच्छी नजर आ रही है, तो कंपनी मुझे लगता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर आएगी। टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं, इस बार के एक्सपेंस ज्यादा होते हुए नजर आए क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, यहां देख सकते हैं 84,634, और एज वेल एज अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड सीधे अगर बात कर ले टैक्स वगैरह देने के बाद, तो लगभग 1790 लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है। इससे पहले बात करें 10,650 तक, तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, बट अगर बात करते हैं यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया, मतलब इससे पहले तो 9,673 लाख रुपीज़ का यहाँ पर लॉस था कंपनी को, और अभी यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तो जब इस तरीके से परफॉर्मेंस करती हुई कंपनी नज़र आए तो ऑब्वियसली उस उधर की तरफ हमें नजरें बना के हमेशा रखनी चाहिए। तो कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आया है। अगर EPS की भी बात कर ले तो यहाँ पर EPS 55 रुपये का EPS है, लास्ट क्वार्टर की बात करें 75 रुपीज़ का EPS था, जो कि गिरता हुआ नजर आया, बट अगर बात करते क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे तो 68 रुपीज़ जो माइनस में EPS था, अब 55 रुपये पॉजिटिव EPS में यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आया है। तो इस ऐसी कंपनी जो अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नज़र आती है तो उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। बाकी इसके पोल्ट्री फॉर्म भी के प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली बात है एग्स वगैरह देती हुई कंपनी नज़र आती है, और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू हुआ है। एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बनाती हुई नज़र आती है, जो कि अभी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ऑयल सीड से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, तो कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती हुई नज़र आती है डाइवर्सिफाइड, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी कंपनी प्रोटीन वगैरह भी
सेल करती है, इस बात को याद रखना। तो अगर बात करें हम कंपनी के रिजल्ट की, वेंगी के रिजल्ट अच्छे आए, जाइडस के भी अच्छे आए और तीनों कंपनी के ने ही सूर्य लक्ष्मी के भी रिजल्ट अच्छे आए। तो तीनों कंपनी कई दो कंपनी तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई है ईयरली बेसिस पे और जाइडस ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट पेश करते हुए दिखाए है। तो तीनों की तरफ हमें नज़रें बना के रखनी है, तीनों की तरफ तीनों के रिलेटेड एक अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा और उस टाइम इस वीडियो से हम बात करेंगे इनसे, इनके बिजनेस एनालिसिस एज वेल एज इनके फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए देखेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और अपने हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पे आते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।